शत्रुघ्न सिन्हा पहले से शादीशुदा थे लेकिन वो अपने प्यार को भुला नहीं पा रहे थे। रीना रॉय से वो शादी तो नहीं कर पाए लेकिन उन्हें खुद से दूर रखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बस बहुत हो चुका और यही सोच उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को एक अल्टीमेटम दे दिया था। एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने शत्रुघ्न सिन्हा को फूट फूट कर रोने को मजबूर कर दिया। इसका जिक्र कुछ वक्त पहले आई शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में भी किया गया। इस बायोग्राफी की लेखक भारती एस प्रधान ने पहलाज निलानी के हवाले उस वाक्य का जिक्र किया है जिसने शत्रुघ्न सिन्हा को अंदर तक तोड़ दिया था और वो खूब रोए थे। पहलाज निलानी और शत्रुघ्न सिन्हा का प्रोफेशनल रिश्ता 1982 में बना जब वो पहलाज हथकड़ी नाम से फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा संजीव कुमार और रीना रॉय लीड किरदारों में थे। फिल्म हिट रही तो पहलाज निलानी ने अपनी अगली फिल्म आंधी तूफान में इस तिकड़ी को लेने का फैसला किया लेकिन रीना रॉय ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। रीना ने पहलाज निलानी से कहा, अपने दोस्त से जाकर कह दो वो अपना जवाब जल्दी दें, अगर वो हाँ कहते हैं तो मैं इस फिल्म में काम करूंगी वरना नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं अगले 8 दिनों में कहीं और शादी कर लूंगी। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का अफेयर काफी लंबा चला था लेकिन किसी वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली लेकिन शादी के बाद भी वो रीना रॉय को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाए। कहा जाता है कि शादीशुदा होने के बाद भी उनका रीना रॉय के साथ तगड़ा अफेयर रहा। रीना रॉय का ये मैसेज लेकर पहलाज निलानी शत्रुघ्न सिन्हा के पास पहुंचे। उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा जुहू के एक होटल में फिल्म टेलीफोन की शूटिंग कर रहे थे। पहलाज ने जाकर रीना रॉय का संदेश शत्रुघ्न सिन्हा को दिया और उसी अंदाज में सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा बौखला गए और उन्होंने तुरंत रीना रॉय को फोन लगा दिया और फोन पर वो जो फूट कर रोए पहलाज निहलानी भी देखते रह गए। उस वक्त लगा मानो कोई बच्चा रो रहा हो। शत्रुघ्न सिन्हा को पहलाज ने पहली बार ऐसी हालत में देखा था, उनसे ये देखा नहीं गया और फिर हार कर शत्रुघ्न सिन्हा को समझाते हुए कहा, उसे जाने दो, शादी कर लेने दो,